हेलो फ्रेंड्स, माय मॉम रेसिपी अपन सकल के जाने सुस्वागत। आज हमें बनिए देखो चिकेन रोस्ट। ये रेसिपिटी खेते हैं असम्भव मजादार और बनानो किन्तु भीषण ही सहज। बाड़ी को स्पेशल ओकेशन बाड़ी को गेस्ट आसले रेसिपिटी अपनारा बनिए परेशन करते भीषण ही टेस्टी एक रेसिपि। कोनो रकम बादाम टक दई छाड़ाई घरोवा मसला दिए कि सहजे चिकेन रोस्ट बनिए नेवा जाए चलून देखे नेवा जाक। आमार आजके रेसिपि जदि आपनादेर भालो लेगे थाके ताहले लाइक कमेंट एबं शेयर करे देबेन। आर आमार चैनले नतून बंधु होये थाकले सबस्क्राइब करार अनुरोध रइलो। ताहले चलून आर देरी ना करे चटपट आजके रेसिपिटी शुरू करे नेवा जाक। प्रथमे चुले आमि एकटी कड़ाई बसिये ताते परिमाण मतो रिफाइंड अयेल बा सादा तेल निये निएछि। एबार तेलटाके खूब भालो करे गरम करे नेब। देख तेलटे भलो गरम कर नहीं तेल मध्य दिए देव पिंज कुचि। हमें ये दोटो बड़ो सैजर पिंज व्यवहार कर देख समस्त पिंज कुचिगुल दिए निल। पिंज़ा के खूब भलोक नेड़े चेड़े भेजे नेब। देख पिंज़ा के लाल लाल भेजे नहीं भेजे नवा पिंज़गुलो एक पात्र मध्य तुले नेब। देख एका एके समस्त पिंज़गुलो एक पात्र मध्य तुले नेब। एबार चूले एक कड़ाई बसिए निलाम। कड़ार मध्य निये नेब रिफाइंड अयेल बा सादा तेल। देखो परिमाण मतो तेल दिए निलाम। एबार तेलटाके खूब भालो करे गरम करे नेब। आर अपर दिके देखो चिकेनटार मध्य आमि लंका गुड़ो हलुद गुड़ो एबं लवण माखिये रेखे दियेछिलाम 15 मिनिट मतो। आर एदिके देखो तेलटा भालो करे गरम हये गेछे। एबार तेलेर मध्य आमि एके एके आगे थेके लंका गुड़ो हलुद गुड़ो एबं लवण माखिये राखा चिकेनटा दिये नेब। देखो एके एके समस्त मैरिनेशन करा चिकेन आमी कड़ार मध्य दिए निलाम। आर आमी एखाने 500 ग्राम मतो चिकेन व्यवहार करेछि। एबार चिकेनगुलोके भालो करे नेड़े चेड़े भेजे नेब। देखो चिकेनटाके एइभाबे उल्टे पाल्टे खूब भालो करे भेजे नेते हबे। देखो चिकेनगुलोके आमी भालो करे लाल लाल करे भेजे नियेछि। एबारे भेजे नेওয়া चिकेनगुलोके आमी एकटि पात्रेर मध्ये तुले नेब। देखो एके एके समस्त भेजे नेওয়া चिकेनई आमी एकटि पात्रेर मध्ये तुले निलाम। अपर दिके आमि एकटा मिक्सार जार निये निएछि। एबारे जारेर मध्ये निये नेब आगे थेके भेजे राखा पेंयाज। पेंयाजटाके आमि भेजे नेवार पर खूब भालो करे ठंडा करे निएछि। देखुन समस्त पेंयाजगुलोई आमि मिक्सार जारेर मध्ये दिए निलाम। एबार देब दु टुकरो डालचिनी, चारटे गोटा एलाच, 10-12 गोटा गोलमरिच, एक टुकरो जयित्री, एब हाफ टेबिल चामच शामरिच, देव सामान्य परिमाणे साजिरे। एबार एर मध्ये दिए नेब सामान्य परिमाणे एकटु पानी। पानीटा दिए नेवार पर एबार आमि ढाका दिए एकटा स्मूथ पेस्ट बानिए नेब। देखुन एकटा स्मूथ पेस्ट बानिए निएछि। एबार आमि एकटा साइडे रेखे देब, एटा आमि रान्नार काजे व्यवहार करब। एबार चुलाय कड़ाइ बसिए निएछि। चिकेन भेजे नेওয়া তেলের মধ্যে এবার আমি দিয়ে নেব দুটো তেজপাতা, দেব কিছু গোটা গরম মশলা। गरम मसलार मध्य हमें व्यवहार कर लम एक टुकड़ो डालचिनी स्टिक, एक एलाच और दुटो लवंग दिए दिल। दो शुकनो लंका दिए अब कैक सेकेंड भलो को नेड़े चेड़े भेजे नेब। देखो कैक सेकेंड भलो को नेड़े चेड़े भेजे निलम। एबार दिए देव दो टेबिल चामच आदा रसुन बाटा दिए अब खूब भलो को नेड़े चेड़े आबारो कषिए नेब। देखो ये भलो को कषिए नीते हबे। एबार दिए देव स्पेशल पेस्ट, पेंयाज और गोटा मसला दिए जो पेस्ट हमें बनालम से समस्त पेस्टाई हमें दिए दिलम। दिए अब भलो को नेड़े चेड़े कषिए नेब। मिक्सार जार मध्य सामान्य परिमाणे पानी दिए लेगे थका समस्त पेस्ट भलो को धुए दिए निलम। दिए अब खूब भलो को नेड़े चेड़े कषिए नेब। एबार देव स्वाद अनुसारे लवण दिए आबार खूब भलो को कषिए नेब। देखो ये भलो को कषिए नीते हबे। देखो खूब भालो करे कषिए निएछि। एबार दिए देव आगे थेके भेजे रखा चिकेन। देखो समस्त चिकेनगुलोई आमि दिए निलाम। एबार देव सामान्य परिमाणे एकटु हलुद गुँड़ो, एक टेबिल चामच धने गुँड़ो, एक टेबिल चामच जिरे गुँड़ो दिए एबार खूब भालो करे नेड़े चेड़े कषिए नेब। देखो एइभाबे खूब भालो करे कषिए निते हबे। देखो खूब भालो करे कषिए निएछि। एबार दिए देव एक टेबिल चामच काश्मीरी लंका गुड़ो। काश्मीरी लंका गुड़ोटा दिए आबारो खूब भालो करे नेड़े चेड़े कषिए नेब।
দেখুন খুব ভালো করে আমি একদম শুকনো শুকনো করে কষিয়ে নিয়েছি, আর দেখুন পুরো তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার দিয়ে দেব লিকুইড দুধ। আমি এখানে হাফ বাটি পরিমাণে লিকুইড দুধ ব্যবহার করেছি। দিয়ে এবার খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এইভাবে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর এবার আমি ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে 10 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। 10 মিনিট পর ফিরত এলাম। দেখুন রান্না দিয়ে পুরো তেল ছেড়ে দিয়েছে আর রান্নাও পুরো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব আর গরম গরম পরিবেশন করে নেব। দেখলেন তো কত সহজেই বানিয়ে ফেললাম কোনো রকম বাদাম টক দই ছাড়াই চিকেন রোস্ট। এই চিকেনের রেসিপিটি দারুণ লোভনীয় হয়ে থাকে। আপনারা যদি এইভাবে কখনো না চিকেন রোস্ট ট্রাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। আর রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটি আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না যেন। আজকের মতো তবে এই পর্যন্তই থাক। কাল আবারও দেখা হচ্ছে নতুন কোন এক রেসিপির সঙ্গে। লাস্ট অবধি আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।